वेलकम बैक अमर स्वैग। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया कैसे नहीं होंगे, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ तो बढ़िया ही होंगे। तो गाइज बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप अपने आईफोन से रील्स वीडियो कैसे शूट करते हो, हाउ टू शूट रील्स वीडियो ऑन आईफोन। ऐसे बोलते क्या भाई दीपू भाई? तो गाइज अभी हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं, ये देखो, और ये रही कविता स्वैग। आज दीपू हमारे साथ बहुत दिनों बाद, आजकल बड़े आदमी हो गए, पता नहीं कहाँ रहते, दिखाई नहीं देते। बट गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग रील्स वीडियो आईफोन से कैसे शूट करते हैं, मतलब हम लोग जैसे शूट करते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि एक दो बंदों के कमेंट आए थे कि भाई आप अपनी रील्स वीडियो कैसे शूट करते हो, हमें बताओ, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, इस पर भी एक वीडियो बननी चाहिए। तो गाइज अभी हम अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं, देख सकते हो, अभी सूखा हुआ था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी हरा भरा हो गया है। और ये रही हमारी कविता स्वैग, और ये रहा हमारा दीपू जैकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमें सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए हमारे पास बैकग्राउंड, और एक मॉडल जो है कविता सुहैग हमारी, और हम भी एक मॉडल है, लेकिन हमारा आजकल टाइम नहीं आ रहा मतलब वीडियो बनाने का। तो आज इनकी वीडियो बना के दिखलाएंगे कि हम आईफोन से कैसे वीडियो शूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमें फ़ोन लेना है जिसे ये हमारा साउंड का काम करेगा। तो जो भी साउंड है इस फोन में हम चला लेंगे, और डायरेक्ट इसका जो रियल कैमरा है 4K में शूट करेंगे। 4K और 60 क्या बोलते हैं उसे, 60 Mbps क्या बोलते हैं, जो भी आप समझ लो, 60 पे और 4K इस पे शूट करेंगे। हम ऐसी वीडियो शूट करते हैं रियल कैमरे से, हम फोन के मतलब इंस्टाग्राम के रील्स से डायरेक्ट शूट नहीं करते, हम फोन से शूट करते हैं। तो गाइज आप भी ऐसे शूट कर सकते हो, और जो हम करते हैं ना वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आप जानते हो कविता स्वैग कितनी वायरल है, और ऐसे ही करते हैं हम। DSLR से भी शूट करता था तो भी इसी से करता था मैं, फ़ोन साइड में चला के, फ़ोन स्पीकर जो भी है आपका, एक साउंड साइड में चलता रहेगा, और इधर साइड में DSLR से शूट करो चाहे किसी से भी। बट आपको अभी शूट करके दिखलाते कि कैसे शूट होता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, चलो कविता स्वैग। तो गाइज हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा खोल लेते हैं अपना, और इसे 4K पे लगा देते हैं, और इसे 60 पे देख रहे हो आप, यहाँ पर 60 और 4K। ये आईफोन 11 है, अब पता नहीं आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते होंगे, इसका नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कविता वहाँ पर साउंड चलाएगी, और यहाँ से मैं शूट करूँगा, शूट करते हैं अब। शॉट तो गाइज़ एक बार में शूट नहीं होता, बार बार उसे ट्राई करना ही पड़ता है, क्योंकि गाइज़ एक बार में कभी भी प्रॉपर चीज़ होती ही नहीं है। तो करते हैं फिर से, स्टार्ट। तो देख सकते हो गाइज इस बार भी शूट नहीं हुआ, एक्टिंग सही नहीं कर रही, लिपसिंग बातचीत में होनी चाहिए। गाइस रोज परेशान हो जाता हूँ इसे समझाते कि ऐसे करो, पता नहीं क्या यार, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो गई, अभी इसे ऐसे बनाना चाहिए कि कुछ नहीं है मेरे लिए कुछ, और इसे अभी भी समझाना पड़ता है। गाइस देखो पका देती है मुझे, चल कंटेंट पे ध्यान दो। तो फाइनली गाइज एक वीडियो हमारी शूट हो गई है, उसे देखते हैं जरा, आओ इधर कैमरामैन। धूप में थोड़ी ब्राइटनेस कम आ रही है। तो गाइज देख सकते हो आप लोग, और यहाँ पर आप लोग इसी की सेटिंग से इसमें बढ़िया बढ़िया फिल्टर लगा सकते हो, जो भी है ये आप लोग इसी के आईफोन के फिल्टर यूज करके बहुत क्रैप्टेड वीडियो बना सकते हो। ये देखो यहाँ पर फिल्टर है, विड इन फिल्टर हो गए, बहुत सारे फिल्टर है इसमें, इन सबको यूज करके आप बहुत सारे मतलब फिल्टर लगा के अच्छी अच्छी वीडियो क्रिएट कर सकते हो, और अपने अपने मुताबिक इसे सेट कर सकते हो। ये देखो गाइस, तो हम ऐसे ही वीडियो शूट करते हैं, ऐसे ही एडिट करते हैं, और ऐसे ही पोस्ट कर देते हैं, मतलब सही जो भी है बढ़िया एडिट करके और पोस्ट कर देते हैं। हम ज़्यादा इंस्टाग्राम से ज़्यादा शूट नहीं करते हम लोग वीडियो,
क्योंकि उसमें स्लो मोशन ये सब चीज़ ऐड करना होता है, इसलिए हम डायरेक्ट रियल कैमरे से अगर शूट होती है ना वीडियो तो गाइज देखने में क्रैप्टेड लगती है और ज़्यादा ही मतलब अलग ही क्वालिटी आती है। और ज़्यादा अगर हम लोग इंस्टाग्राम से उसे डायरेक्ट शूट करते हैं ना उसमें स्लो मोशन ऐड कर सकते हैं ना ऐसा कुछ, जैसे टिकटॉक में होता था कि हम बीच बीच में स्लो मोशन, बीच में नहीं साइड में लास्ट में स्लो मोशन ऐड कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है इंस्टाग्राम में, इसलिए हमें रियल कैमरे से शूट करना होता है। और फिर स्लो मोशन लगाओ चाहे इफेक्ट लगाओ कुछ भी लगा सकते हो उसमें, बढ़िया चीज़। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताओ आप लोगों को और क्या क्या देखना पसंद है। गाइज व्लॉग आएंगे डेली, बट अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रही है इस वजह से डेली व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, तो आई एम सॉरी गाइज, बट आगे चल के व्लॉग बहुत आने वाले हैं गाइज, सपोर्ट बनाए रखना। और आपके लिए एक बिग सरप्राइज़ आने वाला है, कुछ दिनों बाद आएगा, वो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता क्या होने वाला है, बट है कुछ स्पेशल चीज़ है, तो बने रहना आप लोग चैनल पे, देखना मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ आने वाली है, लाइक अगर आई तो, लेकिन आएगी ज़रूर, आएगी तो नहीं बोल सकता गाइज, लेकिन आएगी ज़रूर क्या बोल रहा हूँ गाइज। तो गाइज वीडियो कैसी लगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ इसे भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखो अपना, जय माता दी।